राम राम, जय हिंद। बहुत से लोगों की डिमांड थी इस वीडियो की कि भैया हमें ये बता दो भर्ती वाले दिन हम क्या करें, जिस दिन हमारी भर्ती है उस दिन हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बता दो। देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, जिस भी दिन तुम्हारी भर्ती है, जब भी तुम रनिंग देने जा रहे हो, मतलब ग्राउंड जा रहे हो, ये मेरी 3 से 4 चीज़ें इनको ध्यान रखना, बाकी तुम्हें कुछ इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम ऑलरेडी इतना होशियार हो। सबसे पहला काम तुम क्या करना है यार, कि जब भी तुम्हारी भर्ती हो, भर्ती वाला दिन हो जिस दिन, कोशिश ये करना कि उसके दिन पहले, एक दिन पहले नींद जरूर ले लेना। भले तुम कहीं पे भी झाड़ियों में सो, कहीं पे भी सो, बस सांप बिच्छू ना काट ले, तुम कहीं पे भी सो जाओ, लेकिन एक 3 से 4 घंटे की नींद जरूर ले लेना कैसे भी करके। भले तुम लाइन में तब लगना जब वहाँ पे सब खड़े हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जगह मिल जाएगी फिर, लेकिन कोशिश ये करना कि नींद जरूर पूरी करके जाना। पूरी का मतलब 10 घंटे की नींद नहीं, 3 से 4 घंटे की नींद करके ही जाना। अब उसका फ़ायदा क्या होगा वो समझते हैं। जब तुम नींद पूरी करके जाते हो, जब तुम प्रॉपर सो के जाते हो, तो जितना भी तुम सफ़र करके आए हो ना कहीं से तो आए होगे दूर से एग्ज़ाम देने, तो जो भी तुम सफ़र करके आए हो वो जो दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो जाती है। जैसे ही तुम सोते हो बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, तो जितनी भी स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें, ये सब आराम मिल जाता है इनसे, तो रनिंग में हम फोकस अच्छा कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब भी तुम भर्ती ग्राउंड की बात होती है कि हम जिस दिन भर्ती क्या करें, तो दूसरा काम यही है कि खुद को हाइड्रेट रखना है। मतलब कि जैसे भर्ती है आज, ठीक है, तो एक रात पहले पानी की कमी नहीं होने देनी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लाइन में लग रहे हैं तब हम 2 लीटर पानी पी रहे हैं। वैसे अंदर भी तुम्हें जाने का मौका देते हैं, तो कोशिश ये करना कि एक एनर्जॉल का पैकेट लेके अपने आप को हाइड्रेट करते रहना, 1 लीटर पानी में मिला के और पीते रहना थ्रू आउट, जब तक तुम्हारी रेस में तुम खड़े होने का मौका नहीं मिल जाता तब तक। उसके पहले तुम्हें वॉशरूम जाने का मौका देते हैं, वहाँ पे सुसु पेशाब जो भी करना हो वहाँ पे कराना जाके, वहाँ पे जगह देते हैं। इससे क्या होगा, इससे गला नहीं सूखेगा और इससे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होंगी, ठीक है। तीसरी चीज़, कोशिश ये करना यार कि देखो, हम ये चाहते हैं कि भर्ती कैसे भी क्लियर हो जाए, इसलिए हम हर तरीका बता देते हैं। तीसरा काम यार ये करना, कुछ लोग होते हैं ना, चना डाल लेते हैं जेब में, रेडबुल पी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसकी जगह तुम हम सबसे बेहतरीन बताएंगे 10 मुनक्का भिगा के ले जाना, भिगो के, और वहाँ पे खा लेना दौड़ से पहले, रनिंग के पहले 10 मुनक्का। मतलब ये नहीं कि जैसे खड़े हुए तब खा लिया, नहीं, जब ग्राउंड पे अंदर घुस रहे हो जेब में डाल लो, एक एक खाते हुए अंदर चले जाना। इससे क्या होगा, मुनक्का बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर है थ्रू आउट रनिंग, जब तुम रनिंग कर रहे हो उसके बीच में मुनक्का बहुत बड़ा एक वो बूस्ट देता है, ठीक है। आखिरी अगर हम यहाँ पे बात करें कि भर्ती वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, तो आखिरी बात हम यही कहेंगे कि भर्ती वाले दिन कोशिश ये करना कि कभी भी किसी भी तरीके का कोल्ड ड्रिंक, चाय, दूध, चना, जितने भी फैट हो, शुगर हो, इतना ज़्यादा वो मत कंज्यूम करना, क्योंकि वो रनिंग में बहुत बड़ी दिक्कत दे देंगे। क्योंकि होता ही है ना कि भर्ती ग्राउंड के बाहर हमने देखा है बहुत सारे चाय के स्टॉल लगे होते हैं, तो चाय, बिस्किट, नमकीन, ये बिल्कुल कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। कुछ खाना ही है तो बाहर केले लगे रहते, 2-4 केले खा लोगे, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें मत खाना। हम ये नहीं कह रहे नुकसान करती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उस समय तुम्हारे लिए नहीं सही रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।